गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के विंटर एग्जामिनेशन 2022 एग्जामिनेशन टाइम टेबल पे और कुछ अदर पॉइंट पे। तो गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम थे उसको पोस्टपोन करने की बात चालू है, राइट। अभी ये जो पोस्टपोन करने की बात है गाइस, उसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या लेटर लिखे हुए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस सपोर्ट में है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट में है, ठीक है, और युवा सेना भी सपोर्ट में बच्चों की, कि एग्जाम क्या होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू से कोई भी अपडेट नहीं आया गाइस। तो चलिए गाइस, आप जब तक कोई अपडेट नहीं आया तब तक हमें यही टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम टेबल है ये बीकॉम टीवाई बीकॉम सेम फाइव का एक टाइम टेबल है गाइस, और जो उसका पेपर पैटर्न है उसका जो मार्क्स है गाइस 75 एंड 25 का रेशियो है, ठीक है, 75 और 25, जो बच्चे 75-25 के बेसिस पे एग्जाम दिए थे उनका एग्जाम, ठीक है। अगर उनका टाइम टेबल देखा जाएगा गाइस तो जो रेगुलर एग्जाम है उसके बेसिस पे सेम है, यानी कि आपका जो 10 अक्टूबर है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्लियर। और जिनका मैनेजमेंट पेपर सेलेक्ट किया हुआ है गाइस, बिजनेस मैनेजमेंट, उनका भी 10th को है, और इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशंस एंड की कॉमर्स पेपर 5 ये उनका है 10 अक्टूबर को। इनका टाइमिंग गाइस 2:30 to 5, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर सिर्फ आपका कंडक्ट होगा क्योंकि आपका 75 मार्क्स का एग्जाम है, और रेगुलर जो बच्चे हैं उनका 3 घंटे का पेपर कंडक्ट होगा गाइस। एंड देन फिर क्या आएगा गाइस, बैंकिंग एंड फाइनेंस के पेपर्स। फिर 11 अक्टूबर में कॉस्ट अकाउंटिंग है गाइस, राइट, ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम टाइम पे पेपर्स होंगे आपके। फिर सेम है यहाँ पे बैंकिंग पेपर 6, ठीक है, और कॉमर्स पेपर 6 गाइस, और उसके बाद है बैंकिंग पेपर 6, ठीक है, एक बिजनेस मैनेजमेंट था ऊपर का। देन गाइस फिर 12th को मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ये पिछले साल था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होगा गाइस। फिर इसके बाद है मार्केटिंग पेपर, फिर कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम टेबल, ये कंटिन्यूस पेपर है, 10, 11, 12, 13, 14 से कंटिन्यू पेपर होगा। फाइनेंशियल एंड सॉरी फाइनेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज गाइस, ये पेपर है यहाँ पे। फिर जिनका इकोनॉमिक पेपर 5 है गाइस, रेगुलर बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तो जिनका 75-25 के बेसिस पे, तो 13 को इकोनॉमिक का पेपर है और 14 को कॉमर्स का पेपर है गाइस, ठीक है, कॉमर्स, और इसमें मार्केटिंग का पेपर है, कॉमर्स मार्केटिंग का। 17 को गाइस डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर है। 18 को अप्लाइड कंपोनेंट ग्रुप पेपर 1, एक्सपोर्ट मार्केटिंग जिसको हम बोल सकते हैं, और फिर सेम 18 को ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग और मर्चेंट बैंकिंग का पेपर है। 19 को जिनका पेपर इंश्योरेंस का होता है गाइस, जिन्होंने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया है तो उनके लिए इंश्योरेंस का पेपर है, और जिन बच्चों ने IT सेलेक्ट किया उनका भी 19 को एग्जाम है गाइस, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केटिंग और IT में ऑप्शन आता है। उसके बाद लेबर वेलफेयर है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है, फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स है गाइस, ये सब 20 को है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रीजनल प्लानिंग, ठीक है, और बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस, ये सब 2.5 घंटे के पेपर्स है और ये 20 को गाइस, ठीक है। और 21 को गाइस चार पेपर है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड यूनियन, ऑपरेशन रिसर्च और परचेस एंड स्टोर कीपिंग। इसके बाद गाइस जो लिटरेचर्स है उनके लिए पेपर 31 को दिया हुआ है, 31 अक्टूबर, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, सिंधी, जर्मन, ठीक है, और गाइस रूरल मार्केटिंग। और उसके बाद जिनका मार्केटिंग रिसर्च का पेपर है उनका 1 नवंबर को है, राइट गाइस। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए कि अगर सॉरी एग्जामिनेशन हॉल में आपको 20 मिनट पहले ही पहुंचना पड़ेगा, और कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जामिनेशन हॉल में प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है लेके जाना। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस होगा गाइस तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि अभी तक न्यूज चैनल में और सोशल मीडिया पे ये चालू है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन सर्कुलर नहीं आया है मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। कोई भी अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी बहुत कम है गाइस, 9 दिन बचे हुए आज से, और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहिए, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया वो करते रहिए, और जैसे कोई अपडेट आएगा गाइस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा।